जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, और बुमराह की जब बात करें तो भाई जहीर खान हमें बताएंगे उनके बारे में, उनके साथ इतना समय बिताया उन्होंने, आज अपना 50वां मैच खेल रहे हैं ये, और बिल्कुल सभी कहते हैं कि नंबर वन बॉलर हैं, अव्वल नंबर के बॉलर हैं अभी दुनिया में, क्या आप मानते हैं इस बात को? आपको कोई शक है? नो शक और नो सवाल। मुझे लगता किसी को भी इस वक्त ये शक नहीं है कि बुमराह वर्ल्ड के नंबर गेंदबाज, नंबर वन गेंदबाज है कि नहीं। इन्होंने अपने आंकड़ों से ये प्रूव किया जी, और किसी भी मौके पे ये गेंदबाजी कप्तान इन्हें गेंद थमा सकते हैं जी। मतलब आपको अगर पहले 10 ओवर में चाहिए तो हाँ ठीक है जी, बुमराह जी आइए गेंदबाजी कीजिए। अगर आपको चाहिए बीच में विकेट नहीं गिर रही है, पार्टनरशिप हो रही है, तो कप्तान देखते हैं अच्छा बुमराह जरा आ जाओ, अगर विकेट दिला दो तो अच्छा होगा, और उन्होंने किया भी है। तो मैं समझता हूँ कि और बैकएंड में तो खैर इनका स्पेशलिस्ट है ये, मतलब अगर डेथ ओवर की अगर बात करो तो ये बिल्कुल एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, वहाँ पे अच्छे स्लोअर वन है, यॉर्कर है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप में अगर कोई बहुत अहम खिलाड़ी है, मतलब बैटिंग में आपको हो सकता है थोड़े बहुत विकल्प मिल जाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम की हमेशा ही बल्लेबाजी स्ट्रेंथ रही है, काफ़ी सारे विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन गेंदबाजी में मुझे लगता है ये अगर इन्हें कुछ हो जाए, नहीं होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ हो जाए, मैं कह रहा हूँ इतने इम्पॉर्टेंट ये गेंदबाज, इतने इम्पॉर्टेंट ये टीम का हिस्सा है इस वर्ल्ड कप को लेके। भाई अगर इतने तो विराट कोहली को अपनी फिटनेस की चिंता नहीं होगी जितनी जसप्रीत बुमराह की होगी। वो रोज सोने से पहले जसप्रीत बुमराह को जरूर मैसेज करते होंगे, सब ठीक है ना? अरे सब ठीक मैसेज नहीं करते होंगे, जाके खुद आइस पैक लगाते होंगे कंधे पे, बेटा ठीक सब, बेटा ठीक।